नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। पड़ोसी देश चीन के साथ भारत के नरम गरम रिश्ते कभी आर्थिक खींचतान की शक्ल में सामने आते हैं तो कभी सीमाओं पर दोनों देशों के जवानों के बीच धक्का मुक्की की शक्ल में। एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के फौजियों के बीच ये धक्का मुक्की देखने को मिली। इस बार पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग सो झील के उत्तरी छोर पर दोनों देशों की सेनाओं के जवान करीब एक दिन तक आमने सामने बने रहे। पैंगोंग झील का दो तिहाई हिस्सा चीन के कब्जे में है और यहां सरहद को लेकर दोनों देशों के जवानों के बीच अक्सर भ्रम बना ही रहता है। सेना के मुताबिक तनाव तब बढ़ा जब भारतीय सेना के 12 जवानों की टीम गश्त पर थी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे वहां झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई और तनाव बढ़ गया। हालात देखते हुए दोनों ही तरफ से अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजा गया। सेना के मुताबिक ये आमना सामना अब खत्म हो चुका है। बुधवार को दोनों देशों की सेनाओं के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें और अपनी पुरानी जगह पर लौट जाएं। इसके बाद दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटे और हालात सामान्य हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बारे में ये जानकारी दी है। It is also important to note that how quickly the matter got resolved. So it means that the mechanism which exists between India and China, they are working very well. At the delegation level talks between the two sides, the matter got resolved peacefully between the two sides. तो ताजा झड़प उसी जगह पे हुई है जहां दो साल पहले डोकलाम विवाद के दौरान भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच तीखी झड़प हुई थी। दोनों सेनाओं के बीच ज्यादातर टकराव इसी विवादित हिस्से में होता है। अगस्त 2017 में पैंगोंग झील के किनारे चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हाथापाई हो गई थी। डोकलाम का विवाद 16 जून से 28 अगस्त 2017 के बीच यानी कि 73 दिनों तक चलता रहा। तब तिब्बत, भूटान और भारत की सीमा पर चीन की तरफ से सड़क निर्माण के विरोध में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील को काटती भी गुजरती है, लेकिन भारत और चीन के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि दरअसल ये रेखा कहां से गुजरती है। अभी जो स्थिति है उसमें 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी हिस्सा भारत के नियंत्रण में है, बाकी चीन के कब्जे में। अपने आप में इस झील की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन ये चुशुल घाटी के रास्ते में है जो वो रास्ता है जिसका इस्तेमाल चीन भारत के नियंत्रण वाले हिस्से में घुसने के लिए कर सकता है। 1999 में जब यहां से करगिल युद्ध के दौरान सेना को हटाया गया था, ऑपरेशन विजय के लिए भेजा गया था, तब चीन ने मौके का इस्तेमाल कर भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। सेना के सूत्रों का कहना है कि अगले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी अभ्यास के दौरान ऐसी और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। सेना ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास की योजना का ऐलान किया है। सेना और वायुसेना भारतीय सीमा के अंदर ये सैन्य अभ्यास करेगी। वैसे आपको बता दें कि वुहान की तर्ज पर 10 से 12 अक्टूबर के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक शिखर वार्ता तमिलनाडु के ममल्लापुरम में होनी है। इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात सामान्य रखने पर और आपसी व्यापार पर बातचीत होने की संभावना है। तो प्राइम टाइम में बातचीत भारत और चीन के इस टकराव के बहाने, भारत और चीन के जो संबंध जिस तरह से उभर रहे हैं व्यापार के संबंध में, पाकिस्तान के संदर्भ में, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद यहाँ स्टूडियो में है मनोज जोशी जो डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह है जो प्रोफेसर हैं JNU में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्ममेंट। और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजकाद्यान, फॉर्मर डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मनोज जोशी और स्वर्ण सिंह, आप दोनों का कमेंट मैं पहले चाहती हूं कि इस बात पर, जब रवीश कुमार को आपने सुना प्रवक्ता विदेश मंत्रालय की कि बहुत जल्दी आज जो टकराव हुआ था वो बहुत जल्दी हल हो गया, इसका मतलब कि दोनों देशों के बीच में जो डायलॉग स्थापित करने की कोशिश की गई है वो अच्छी तरह से काम कर रही है, आप इससे समर्थन आप करते हैं इस बात का? देखिए, 1993 से जो है हमारे बीच में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का सिलसिला है। जहाँ तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है,
14 ایسی جگہ ہیں جی. عموماً بھارت بھی جانتا ہے ایل اے سی کہاں ہے، چائنا بھی جانتا ہے ایل اے سی کہاں ہے، پر کوئی نقشے میں دونوں کی سہمتی نہیں ہے. پر 14 جگہ ایسی ہیں جہاں کی یہ فرق ہے. جیسے چین کہے گا کہ وہ دیوار کے پر ایل اے سی ہے، ہم کہیں گے اس دیوار تک ایل اے سی ہے، اور بیچ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ ہم دونوں گشت کرتے ہیں لگاتے ہیں. تو یہ جو سلسلے ہوتے ہیں اکثر جو ہے وہ ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر کبھی کبھی جو ہے دونوں ملتے ہیں، تب یہ ایسی جھڑپیں ہوتی ہیں. پر 93 کے بعد کئی ایسی اگریمنٹس ہوئی ہیں، جس بی ڈی سی اے بارڈر ڈیفینس کنٹرول اگریمنٹ 2013 کی ہوئی ہے جی. تو ان سب اگریمنٹ سے یہ مسئلے جو ہیں یہ ترنت حل کیے جاتے ہیں، مطلب ہائر کمانڈرز جو ملتے ہیں. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ترنت جو ہے بریگیڈیئر لیول پہ میٹنگ ہوا، جو ڈائیلاگ یا جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور اب کامیاب تو ہیں، دیکھیے سن 70 کے بعد وہاں ایک گولی نہیں چلی ہے، لیکن ڈوکلام کے دوران پچھلے سال جب بھی اس کا میں نے ذکر کیا، یا 2017 میں جو 73 دنوں تک یہ ٹکراو چلا، اور اس وقت لگ رہا تھا جیسے کم سے کم یہ دکھایا ضرور جا رہا تھا، یہ پروجیکشن تھا کہ ایک آرمڈ کانفلکٹ وہاں پہ ہو سکتا ہے. جیسا منوج جوشی آپ نے کہا کہ اکثر ہمیں پتہ ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہاں ہے، لیکن بیچ کے علاقے ہی ایسے ہوتے ہیں وواد جہاں پر ٹکراو آمنے سامنے سینک ہو جاتے ہیں، اکثر وہ واپس چلے جاتے ہیں جگہوں پر، بینرز دکھاتے ہیں. پر ڈوکلام جیسی استھتی بھی اتپن ہوئی، اور ابھی اس دفعہ یہ جلدی حل ہو گیا، پہلے 73 دن لگے تھے. کیا فرق تھا دونوں میں؟ دیکھیے جیسے منوج نے کہا کہ آپس میں سیما پر تناؤ کئی بار ہوتا ہے، اور اس کی شاید جو فریکوینسی ہے وہ پچھلے 6 یا 7 سال سے کچھ بڑھی ہے، پر اس کے چلتے بھی وہاں جان یا مال کا کوئی نقصان کبھی بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ جاننا تو ضروری ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں بہت بڑی آرتھک ویوستھائیں ہیں، دونوں بہت بڑے سماج ہیں، ابھرتی ہوئی شکتیاں ہیں، اس لیے ان کی آپسی تال میل میں بہت سے رنگ ہمیشہ دکھتے ہیں. اسی سوموار کو دیکھیں کہ 6ٹا اسٹریٹجک اینڈ اکنامک کوآپریشن ڈائلاگ ہوا دلی میں جی. چین اور بھارت کا. آج شانگھائی سہیوگ سنگٹھن جس میں چین اور بھارت دونوں ہیں، ان کا دلی میں ہی میڈیکل میڈیسن کا، ملٹری میڈیسن کا ایک سمیلن آج شروع ہوا ہے، اور کل پچھلے کل بودھوار کو یہ تناؤ بنا سیما پر. تو ایک تو یہ کہ ان کے رشتے جو ہیں ان کا تال میل بہت رنگوں میں نظر آتا ہے، ہمیشہ نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیما میں تناؤ بننا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس میں جان اور مال کی نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ شاید ایک آپسی جو ایک طرح سے تال میل ہے اس میں ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے آج کہ ہم آپ کی کسی بات سے ناخوش ہیں. اس کو لیں تو ایک 30 سیکنڈ میں بات بتانا چاہوں گا کہ چین نے جب ہم نے پنرگٹھن کیا جموں اینڈ کشمیر کا، تو انہوں نے کہا کہ لداخ کا جو پنرگٹھن ہوا ہے وہ ہمیں بالکل سویکاریہ نہیں ہے، منظور نہیں ہے. اور پاکستان سے جڑے ہوئے رشتے، وہ وہاں آپ دیکھیں کہ سرکشا پریشد تک وہ لے کر گئے وہ مدعا. تو اس کے ماحول میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سندیش ہے بھارت کو کہ ہم یہ پنرگٹھن جو ہوتا ہے لداخ کا، جس سے آپ دیکھیں کہ لداخ کی جو بدھسٹ آئیڈینٹی ہے بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کا جو جڑنا پھر باقی جو لوگ ہمالیہ کے دیشوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ نیپال ہو، سکم ہو اور دوسری جگہوں میں، وہ ہمارا بدھزم کا جو مضبوط ایک طرح سے وہاں بنے گا اور سیدھا جو سینٹرل کنٹرول وہاں ہوگا، تو چین اس سے ظاہر ہے کہ کچھ پریشان ہے. اور ہم نے وہ آپ دیکھیں کہ نقشہ اور میپ ہم نے پھر دوبارہ جاری کیا ہے، جس میں ہم نے بتایا بھی کہ کوئی نئے ہم وہاں کلیم نہیں کر رہے ہیں، پر چین کا ایک طرح سے یہ سندیش ہے کہ اس سب سے یہ چین ناراض ہے جی. لیفٹیننٹ جنرل راج قادیان، یہ بات کافی تارکک لگتی ہے اس وقت کے ایک سندیش دینے کی کوشش ہوتی ہے جو ٹکراو ہیں، اور چین اس وقت ایک سندیش دے رہا ہے کیونکہ جب سے انوچھید 370 ہٹایا گیا اور اسپیشل اسٹیٹس جموں کشمیر لداخ کا جو ہٹا اور ری آرگنائزیشن جس طرح کا ہوا ہے، اس سے چین کے جو بیان آئے وہ کافی سخت بیان رہے، پاکستان کی ایک طرح سے طرفداری کرتے ہوئے بھی بیان آئے. تو اس وقت جو یہ ٹکراو دکھا پھر سے پینگونگ لیک، پینگونگ جھیل کے پاس، وہ پھر سے یہ سندیش دینے کی کوشش ہے کہ چین جو ہے وہ ناخوش ہے جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں یہاں پہ. نغمہ جی، چین نے، ہم نے جو لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا اس پر اعتراض ضرور کیا تھا، لیکن
ये परिणाम निकालना है कि ये जो मुठभेड़ हुई है सैनिकों के आपस में या विवाद हुआ है इसका उससे कोई ताल्लुक है, शायद सही नहीं होगा। क्योंकि जैसा मनोज जी ने कहा, ये पहली बार नहीं है, बहुत बार पहले भी सैनिक आपस में इकट्ठे होके और टेरिटरी पर डिस्प्यूट होता है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ कोई लैंडमार्क नहीं है। हमने चाइना को बार बार कहा है कि भाई डिमार्केशन पिलर लगाया जाए, लेकिन चाइना ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यूनिटें बदलती रहती हैं, तो हर सिपाही को हर बार ये समझाना कि अब आप खुद कहते हो कि एक तिहाई झील जो है प्यांगोंग उसका हिस्सा चीन के पास है, दो तिहाई हमारे पास, तो वहाँ कौन जाके उसको मापेगा कि वो एक तिहाई है उससे थोड़ा ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग जेन्युइन होती है। सबसे लंबा जो कन्फ्रंटेशन थी वो डोकाला प्लेटो में थी, जो डोकलाम कहते हैं चाइनीज जिसको, लेकिन वहाँ भी बगैर किसी वायलेंस के उसको सुलझाया गया। हमारे उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिल्कुल इन प्लेस हैं, और एक सिस्टम है कि जब भी कभी ऐसे सैनिकों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो बहुत बार होती है क्योंकि ज़मीन पर LSU को पहचानना बड़ा मुश्किल है, तो उसको लेवल रेज करके ब्रिगेड लेवल पर आपस में मीटिंग होती है और दोनों पीछे हट जाते हैं, उसको सुलझाया जाता है। लेकिन चाइना के जो क्लेम हैं भारत की सीमाओं के अंदर वो बड़े कंसिस्टेंट हैं। वो उसने अपना स्टैंड नहीं बदला है, ना उसने अरुणाचल में मैकमोहन लाइन मानी है। हमारा तो वहाँ कहना है कि वाटर शेड बॉर्डर होना चाहिए। भारत और तो चीन के बीच में ट्रेडिशनली हिमालयन बॉर्डर होता था, लेकिन मैकमोहन लाइन भी हमारे मुताबिक सही नहीं है, वो 1914 की है, चीन भी उसको नहीं मानता, लेकिन वहाँ रोज़ लड़ाइयाँ नहीं होती। तो मैं नहीं समझता, दोनों समझदार देश हैं, व्यापार चल रहा है, रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल हैं, कि ऐसी कोई घटना फिर भी हो सकती है, वो एस्केलेट होगी। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि इसका 370 के हटाने से कोई ताल्लुक है, मेरा अपनी राय है कि उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल विवाद है, पहले भी होता रहा, आगे भी होता रहेगा। पहले भी होता रहा है, और डोकलाम के समय भी हमने देखा कि कितना हुआ, लेकिन जब डोकलाम हुआ था उस वक्त उसके बाद मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की, और वुहान में जो मुलाकात हुई इसके पहले चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का 28 बार उल्लंघन किया, और जब वुहान में मिले तो कहा जाता है कि एक तरह से रीसेटिंग ऑफ रिलेशंस थी ये, क्योंकि उसके पहले तनाव बहुत बढ़ गया था। अभी फिर मोदी और शी जिनपिंग मिलने वाले हैं, अब ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन राज काद्यान ये कह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहिए 370 से, पर 370 के बाद से मनोज जोशी एक तनाव दोबारा से चाइना और हिंदुस्तान के रिश्तों में बढ़ा है, क्योंकि वहाँ से जो बयान आए हैं पाकिस्तान के तरफदारी करते हुए, जो सख्त बयान आए हैं कि यूनिलैटरली पोजिशंस को चेंज नहीं करना चाहिए या रिस्ट्रेन रखना चाहिए, तो ये भारत को इस तरह के बयान तो पसंद नहीं आए थे। देखिए 370 का एक मसला है, पर ये जो हादसे होते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कुछ मैंने सुना है, मैं उस इलाके में गया हूँ, वो मैंने इलाका देखा है, वहाँ मैं 10 दिन रहा हूँ, तो ऐसा है कि उस इलाके में, और एक तो बॉर्डर जो है डिफाइंड नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा दोनों की क्लेम्स हैं और दोनों आते जाते रहते हैं और बीच में कभी कभी मुलाकात होती है, और वुहान में भी ये तय किया गया था, अगर आप हमारा स्टेटमेंट देखिए, भारत का स्टेटमेंट देखिए वुहान के बाद, ये तय किया गया था कि दोनों साइड अपने जवानों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि बॉर्डर के मामले में जो है थोड़े ठंड दिमाग से वहां पे सामने आए, क्योंकि डोकलम में जब ये हुआ, पर ये ना भूलिए कि डोकलम का विवाद जो है वो भारत और चीन की सीमा में नहीं था जी, भूटान इसमें इन्वॉल्व था, तो इसको मत भूलिए, तो उसको डोकलम को, इसमें डोकलम का अपने एक विचित्र अपनी विचित्र जगह है, पर ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उसकी अपनी एक अलग डायनेमिक होती है। डोकलाम के एक अपनी स्ट्रेटेजिक महत्व भी उसका था, लेकिन ये जो पैंगोंग सो झील है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चुशुल घाटी की भी वजह से इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इतने परेशान होते हैं कि इस रास्ते का इस्तेमाल चीन कर सकता है। देखिए 1962 के युद्ध में उन रास्तों का इस्तेमाल हुआ था जी, एक बहुत मशहूर फिल्म बनी थी तब हकीकत जी जी, तो उसमें उसका जिक्र हुआ था, दिखाया गया था। तो चीन यदि आक्रमण करना चाहता है तो ये जो पास हैं रोचांग पास और ये चुशुल, इससे जुड़ी हुई है ये लेक, और उससे
क्योंकि बोट्स उनकी एडवांस पेट्रोल बोट्स हैं, उसका इस्तेमाल करके वो तेजी से आक्रमण कर सकते हैं। पर बात वो नहीं है, बात यह है कि जैसा मनोज ने पहले कहा कि 14 ऐसी जगह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, यहां सहमति नहीं है दोनों तरफ से। अब ये एक ऐसी ही जगह है पांगकोंग के उत्तर में जो क्षेत्र है उसमें, यही ऐसी जगह है कि जिनको वो फिंगर्स आर्मी लैंग्वेज में कहते हैं, वो श्रृंखलाएं जो है पर्वतों की सामने से पहाड़ों की आती हैं, वो हमारा जो क्लेम लाइन है वो फिंगर 8 पर है। हमारी जो रियल में हमारी ऑक्यूपेशन कंट्रोल में जगह वो फिंगर 4 तक है, हमारी लास्ट पोस्ट फिंगर 3 पर है। तो वो 5 फिंगर जिसको कहते हैं वहां अक्सर आपस में तालमेल में गड़बड़ होती है। और ऐसी जगहें हैं कि आप देखें कि जो गश्त करने जाते हैं सैनिक, उनको जमीन पर कोई इंडिकेटर्स नहीं है, जैसे कादियान साहब ने कहा जमीन पर, कि पता चले कि हम हैं कहाँ। और कभी कभी मौसम खराब होता है तो अक्सर होता है कि उनका आमना सामना हो जाता है, पर हर बार क्या होता है कि वो आपस से आगे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या फिर उनकी एक बैनर ड्रिल बनाई गई है कि आप बैनर लेके खड़े रहें, एक घंटा भर खड़े रहें या जितना भी खड़े रहें उसके बाद अलग हो जाएं। कभी कभार आपस में धक्का मुक्की हो जाती है, और उसमें भी जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक ब्रिगेडियर लेवल की बॉर्डर पर्सनल की मीटिंग होती है, एक फ्लैग मीटिंग होती है, यदि वहां नहीं सुलझता तो उसके लिए एक बनाया गया है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। कितनी जल्दी सुलझेगा ये इस पर भी निर्भर करेगा कि चीन और भारत के रिश्ते। मैं ये कह रहा हूँ कि सुलझाने वाली चीज नहीं है, केवल संकेत देने की चीज है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप जब कह रहे थे कि अमूमन जब टकराते हैं फिर वापस चले जाते हैं, एक बैनर ड्रिल होता है और अक्सर हाथापाई नहीं होती है, और जब इन हाथापाई होती होगी वो दोनों सेनाओं को भी ये संदेश तो मिलता ही होगा कि क्या सिचुएशन इस समय है रिश्तों की, और जब तनाव बढ़ता है तो संदेश दिया जाता है। वुहान के बाद सीधा कहा गया कि एक सामरिक निर्देशन दिया जाएगा बड़े नेताओं की तरफ से सेनाओं को जी। तो क्या यह सामरिक निर्देशन का नतीजा है कि चीन ये कर रहा है, उसको इस तरह से भी बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सुलझाने के बहुत मैकेनिज्म बने हुए हैं और कभी भी वहां नुकसान नहीं होता है, और ये धक्का मुक्की एक संकेत है मुझे लगता है। बिल्कुल। और ये जो एक बहुत ही लंबा विवादित क्षेत्र है, हालांकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ने काम कुछ किया है, पर ये कोई सोल्यूशन नहीं निकला जो विवादित बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। व्यापार की बात आपने की थी, डोकलाम के समय भी व्यापार का हवाला देते हुए कहा गया था कि डोकलाम टकराव से कारोबार पर असर नहीं होना चाहिए। भारत चीन के बीच में ये कारोबार कितना बड़ा एक फैक्टर इस समय है जिसकी वजह से दोनों ही देश नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का कोई टकराव हो जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखें, जिस साल 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ था, 10 साल से व्यापार रुका हुआ था, केवल उसी साल $15 बिलियन बढ़ गया जी। तो हम यही कह रहे हैं कि तालमेल ऐसा है कि उसमें सब तरह के रंग बराबर चलते हैं, कन्फ्रंटेशन भी चलती है, कोऑपरेशन भी चलती है, कोऑर्डिनेशन, सब चीजें बराबर चल रही हैं, और व्यापार उसके बाद भी बढ़ा है। आज मुझे लगता है कि $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है, पर वो एक तरफा व्यापार है। डेफिसिट जो है वो डेफिसिट एक बहुत बढ़ता बड़ा डेफिसिट है। अभी $54 बिलियन डेफिसिट हो गया, तो क्या जब व्यापार बढ़ता है तो चीन का निर्यात बढ़ता है, भारत का निर्यात नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए केवल सीमा का तनाव की समस्या नहीं है, आर्थिक संबंधों में एक तरफा व्यापार की समस्या है। चीन का निवेश इतना तेजी से बढ़ रहा है भारत में, क्या भारत उसको स्वीकार करता है? बहुत सा निवेश ऐसा है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। भारत की जितनी ई कॉमर्स है, टेलीकॉम है, पावर सेक्टर है, चीन उसमें घुसा हुआ है पूरी तरह से। क्या हम इसके बारे में जी क्या इम्प्लीकेशंस इसकी हैं समझते हैं, या क्या हम उसको ऑफिशियली स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं? तो इतने उलझे और इतने वाइड स्प्रेड और इतने तरह के रिश्ते हैं कि उसमें मुझे लगता है बॉर्डर जो तनाव है बॉर्डर सीमा पर, वो एक मुद्दा उसमें है जी, जी। और बाकी मुद्दों के कंपैरिजन में उस मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत सी तैयारियां की जा चुकी हैं, मैकेनिज्म बने हुए हैं। अब दुनिया जिस तरह से एक दूसरे के साथ एंगेज करती है सभी देश, मनोज जोशी, उसमें जो हकीकत फिल्म की आपने बात की, उस दौरान में जिस तरह से युद्ध होते थे उस तरह के युद्ध मुमकिन भी नहीं है। जो कारोबार की बात हमने की कि ये जो टकराव है वो एक पहलू है, रिश्ते कहीं और ज़्यादा उलझे हुए भी हैं, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट भी हैं। जैसे कि दो सबसे घनी आबादी वाले देश हैं और इनके बीच में जो पैन एशिया कारोबार संधि होनी है, इनके जो रिश्ते हैं वो भी पैन एशिया कारोबार संधि में एक रुकावट डालते हैं, और एशिया पैसिफिक ट्रेड डील की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह की रुकावट आती है? देखिए, आरसेप की बात कर रहे हैं आप शायद, ये जो नई डील की बात जी, हो रही जी, है। आरसेप में सवाल वही है कि भारत ने ये कहा है कि भारत नहीं चाहता कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की डंपिंग भारत में हो, कि और ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ना चाहे। इससे थोड़ा बहुत
घबराया है कि अगर हमने आरसेप को स्वीकार किया तो उसमें ये स्थिति आ सकती कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी, तो इसलिए काफ़ी विरोध हो रहा है इसका और कोशिश की जा रही है। अब जहाँ तक कि आसियान है, बाकी मुल्क हैं, देखिए आसियान तो भारत के मुल्क जो हैं वो भारत के एक प्रांत के बराबर हैं। अच्छा, और उनकी जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो कुछ और है, चाइना के सप्लाई चेन्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, मलेशिया होगा या फिलीपींस है, वियतनाम है, उनके रिश्ते जो हैं दूसरे किस्म के हैं। भारत अगर आरसेप में जाता है तो भारत चाहता है कि ये स्थिति जो है ना आए कि उसकी जो इंडस्ट्री जो जो वो कोशिश कर रहा है, मेक इन इंडिया की कोशिश कर रहा है, वो जो है उस पर असर ना पड़े। तो अभी भी जो है अभी मीटिंग होने वाली है और नवंबर में उम्मीद है कि वो आरसेप जो है वो जहाँ तक कि आसियान है वो कहता है कि इसको ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए जी। पर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है उसके लिए ज़रूर, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का डर है। और ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, अगले सप्ताह पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि भारत उसकी एक बैठक यहाँ बुला रहा है दिल्ली में, तो हम पूरी तरह से एक्टिव हैं उसमें। तो उसकी वजह यह है कि चीन का जो व्यापार युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ, उसके चलते चीन उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में है, किस तरह जल्द से जल्द वो अपना जो उत्पाद अमेरिका को बेचता है वो किस तरह से एशियाई देशों को बेच सके। भारत को कई हिचक है इसमें, भारत को बहुत सी उसमें मुश्किलें हैं जी। जैसे अभी कहा जा रहा है कि 28% आप टैरिफ इमीडिएटली एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद चलते 35% और काट दीजिए, और हमारी जो जेनरिक मेडिसिन सबसे सस्ती पूरी दुनिया में हम भेजते हैं उस पर जापान और साउथ कोरिया लिमिट लगाना चाहते हैं, आईपीआर को बात करते हैं उस पर। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, सर्विस सेक्टर की बिल्कुल बात नहीं होती। अब देखें कि पूरे आरसीईपी को मिलाकर 3.6 बिलियन लोग हैं इसमें, जिसमें भारत चीन दो ही 2.4 बिलियन जी। तो यदि प्रोफेशनल्स का आप आने जाने को रुकावट लगाते हैं और केवल गुड्स पर फोकस करते हैं तो भारत को तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि भारत उसमें जुड़ेगा, उनको भारत की आवश्यकता है, उसकी तारीख जो है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी। अभी वो पहले ही कह रहे हैं कि अगले साल उस संधि पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तो ये ना भूलिए कि ममल्लापुरम में जो मीटिंग हो रही है मोदी जी की और शी जिनपिंग की, कई बातें जो हैं जो हम आज कर रहे हैं, चाहे वो सीमा की हों या ये आरसेप की हों, वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डायलॉग है। क्षमा करें, मैं थोड़ी सी बात इसमें जरूर डालना चाहूंगा कि आप देखें कि हम बनारस से मल्लापुरम को शिफ्ट कर चुके हैं, पर आज भी अभी तक चीन की विदेश मंत्रालय ने यह कंफर्म नहीं किया है कि शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो अपनी चीजों को, अपने पत्तों को बहुत ध्यान से चलते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद बावजूद अब देखें वांगी का जो विजिट है वो कैंसिल हो गया, तो बहुत से पहलू हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, तो सब कुछ सुधर जाएगा वो दूसरा सम्मेलन होने से। सब कुछ नहीं सुधरेगा, लेकिन राज कादियान मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो जिस तरह की दुनिया की सूरत जो बदली है उसमें कहीं भी किसी भी देश के बीच में जो संबंध हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, सीमा पे टकराव हो सकता है, सैनिक आपस में उलझ सकते हैं, पर कारोबार के भी कंसर्न हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स कहीं ज़्यादा बड़े हैं। यह आप मानेंगे कि अब ऐसा नहीं है कि चीन ने ये कहा और हम आमने सामने हैं तो हमारे रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए, खास करके चीन और भारत जैसे देश जो जिस जहाँ दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ इतना बड़ा जिसके ऊपर कारोबार निर्भर करता है। देखिए, अगर दो बड़े देश, दो ताकतवर देश, दो सुपर पावर होने जा रहे हैं, अगर एक ही रीजन में है तो फ्रिक्शन तो चलती रहेगी, ये स्वाभाविक है। चीन नहीं चाहेगा कि भारत उभर के उसके मुकाबले में आए, भारत की कोशिश रहेगी कि वो आएगा, तो ये विवाद चलते रहेंगे। ट्रेड का विवाद है वो विजिबल नहीं होता, जब बॉर्डर पर विवाद थोड़ा बहुत होता है वो मीडिया में आ जाता है। ट्रेड का विवाद हमेशा रहेगा, उसकी वजह है हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमारी लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्री जो प्रॉफिट बनाती है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेबर के वेलफेयर में जाता है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चीन में ऐसा कुछ नहीं है, वो वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं, तनख्वाहें कम कर सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा चीन की कम रहेगी। तो ये इम्बैलेंस तो रहेगा क्योंकि सिस्टम दोनों अलग अलग है, चीन में वो डेमोक्रेसी नहीं है। डोकलाम का जिक्र है, डोकलाम का महत्व अलग है, वो प्लेटो भारत का नहीं है, वो भूटान का है, लेकिन क्योंकि भारत भूटान की सिक्योरिटी का जिम्मेवार है इसलिए भारत ने कन्फ्रंटेशन ली थी।
एक सिक्किम से एक घाटी चलती है चुंबी वैली, वो ट्रायंगल बनती है, ऊपर से चौड़ी है, नीचे आके नहर हो जाती है डोकलाम प्लेटो के पास। चीन दोनों तरफ से, एक तरफ ऊंची पहाड़ियां भारत के हैं सिक्किम की पहाड़ियां, एक तरफ भूटान की हैं, वो उसका जो रास्ता आता है वो नीचे घाटी से आता है तो वल्नरेबल है। तो चीन वहाँ अपना बिल्डअप करने को, मजबूत करने को वो सड़कें बनाता है, उस पर एतराज़ होता है हमें। यही डोकलाम में हुआ था कि उसने हेलीपैड बनाया था कि वो जल्दी से फोर्स को बिल्डअप कर सके। हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भी वहाँ से बड़ा नज़दीक है, वल्नरेबल है। मनोज ने कहा कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये विवाद दोनों देशों में चलते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि दोनों देश समझबूझ से काम लेते हैं जी। बॉर्डर पर जब कई बार ना समझे में होता है आपको, लद्दाख तो एक डेजर्ट है जहाँ कोई पेड़ कोई झाड़ी कुछ नहीं है, आप कोई लैंडमार्क भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो कई बार जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसा मैंने कहा यूनिटी बदलती रहती है, एक आदमी परमानेंट हो तो उसको पता होता है कहाँ तक हमारा बॉर्डर है, नए आदमी आते हैं उनको टाइम लगता है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देश जी, जैसा आपने कहा कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, अच्छी बात है कि दोनों देश समझदारी से समझबूझ से काम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कहते हैं कि एट स्टेक हैं तो दोनों देश संभल के काम लेते हैं। और हमने बताया कि अक्टूबर 11 और 13 के बीच में ममल्लापुरम में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है, पर जैसा आप कह रहे हैं कि अभी तक कन्फर्म नहीं कुछ हुआ है, पर उम्मीद है कि वुहान जैसी एक मुलाकात होगी और एक फ्री बातचीत होगी, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, भारत और चीन के रिश्तों के जो कई पहलू है उसको समझाने के लिए। प्राइम टाइम में चर्चा इस वक्त इतनी ही चीन के ऊपर, और आगे बढ़ते हैं। रामन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद हमारे सहयोगी रवीश कुमार ने एनडीटीवी के दर्शकों का धन्यवाद अदा किया है। मनीला से सुनिए खुद रवीश कुमार को। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के साथ बने रहने के लिए और एनडीटीवी के संघर्ष को समझने के लिए भी। मैं आप दर्शकों को खास तौर से रेखांकित करता हूँ क्योंकि इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत भर में और दुनिया भर में जहाँ भी आप हैं और जिस भी हालत में आप हैं, आपने बहुत सोच समझकर हमें अपना समर्थन दिया है। मैं ये बात कहने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं जानता हूँ अपने दिल से कि आपका होना हमारे होने के लिए कितना ज़रूरी है। आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, आप दर्शकों की वजह से मैं यहाँ हूँ। मनीला के इस रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के कंपाउंड से, अहाते से, परिसर से मैं आप सबको खूब याद करता रहा और चाहता हूँ दिल से कि शुक्रिया आप सभी तक पहुँच जाए किसी भी तरह से, कैसे भी। जो आज पूरी दुनिया में मीडिया की स्थिति बनी हुई है, हमने कभी भी इसके सवालों पर गंभीरता से नहीं सोचा, इसके भीतर की बुराइयों को रोज़ की समस्या मानकर हम दरकिनार करते रहे, आप भी और हम भी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह की समस्या सामने आने वाली है और आज इसका पूरा वजूद अस्तित्वताओं पर है। आप सभी को समझना है कि राजनीतिक चुनाव एक अलग चीज़ है, मीडिया का स्वतंत्र होना अलग चीज़ है। आप जिस किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करते हैं उसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी भूमिका न सिर्फ लोकतंत्र में है बल्कि मीडिया को फिर से उसकी साख को बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये मेहनत आपको करनी है, आपको बहुत करीने से चुनाव करना है कि किस अखबार पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और कौन सा टीवी चैनल देख रहे हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं, उससे आपको मिल क्या रहा है, क्या वहाँ सिर्फ हंगामा है या फिर वाकई कोई ऐसी नई सूचना है जो आपकी दुनिया और उसके प्रति आपकी समझ को बड़ा करती है। तो एक बार फिर से एनडीटीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं अपने सहयोगियों को भी खूब याद करता हूँ जिनसे लड़ा झगड़ा, जिनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। ये सब प्यारे लोग अगर नहीं होते हैं, अगर आप इनकी अहमियत नहीं समझते हैं, अगर टीवी में टीम को आप नहीं समझते हैं, तो आप टीवी में कुछ भी नहीं हो सकते, अकेला कुछ भी नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का,
यहाँ का दौरा कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहा, अब समाप्त होता है, लेकिन फिर से हम आपको याद करते हुए यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का संकट गहराता जा रहा है। देश में हर तरह की गाड़ियों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले काफी घट गई है। इस हफ्ते जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कारों की बिक्री इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 29% से ज्यादा घटी। नतीजा ये हुआ है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपना उत्पादन लगातार घटाती जा रही हैं, क्योंकि बाजार में मांग ही काफी कम हो गई है। इस वजह से 3.5 लाख से ज्यादा अस्थाई और दिहाड़ी मजदूरों की नौकरियां जा चुकी हैं। इस संकट का सबसे बुरा असर ऑटो पार्ट्स बनाने वाली छोटी कंपनियों पर पड़ा है, जिनके पास ऑर्डर्स आने लगभग बंद हो गए हैं। एनडीटीवी ने फरीदाबाद में एक ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री का दौरा किया, जहां ऑर्डर्स 80% से 85% तक गिर गए हैं। फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में संदीप मल LNM ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी चलाते हैं। उनका काम देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कलपुर्जे बनाना है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका कारोबार लगातार गिरता जा रहा है। कार कंपनियों से ऑर्डर आने लगभग बंद हो चुके हैं। संदीप, जब से ये आर्थिक मंदी शुरू हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से ऑटो कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर्स आते थे उसमें क्या, उस पर क्या असर पड़ा? पिछले साल से अगर देखें तो 10-15% ही शेड्यूल रह गए हैं। जो पिछले साल हमने सेल किया था या जो भी कस्टमर से ऑर्डर आते थे, वो अब 10-15% से ज़्यादा अभी डिमांड नहीं है। तो लास्ट ईयर से अभी हम ऑलमोस्ट 80% के आसपास और 85% के आसपास हमारी जो सेल है ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली, वो डाउन है। कस्टमर से कोई डिमांड नहीं है और इनफैक्ट कोई फोरकास्ट भी नहीं है कि आने वाले महीने, 2 महीने या 3 महीने में उनको चाहिए। इतनी इन्वेंट्री पाइपलाइन में है कि उनको ऐसा लगता है कि मार्च तक तो यही चलता रहेगा। जितनी भी इंडस्ट्री है, हम 2018 में ही पहुंचने में, हमको अब 2021 में हमारी सेल वहां पहुंचेगी जहां 2018 में थी, जो उसका इफेक्ट है एक स्लोडाउन का। और इतना बड़ा स्लोडाउन मैंने अपने 25 साल के कैरियर में नहीं देखा। संदीप मल पर दोहरी मार पड़ी है। वो खेती से जुड़े उपकरण भी बनाते रहे हैं और इन्हें अमेरिका, यूरोप, चीन और पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात करते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंदी की वजह से निर्यात के ऑर्डर भी 20% तक घट गए हैं। ऊपर से निर्माण की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है और GST रिफंड में लगातार हो रही देरी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहां से मैं बोलूंगा कि मेरा करीब 20% कम हुआ है, 20-25% ज़्यादा से ज़्यादा कम हुआ है फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग लास्ट ईयर के वॉल्यूम्स थे उससे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारा महंगा है, हमारे ख़राब है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी महंगी हो जाती है, तो वो हम कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहा सा उसमें क्या है कि हमारे को अगर GST के ऊपर जो हमने इनपुट लगता है हमारे को टैक्स, वो एज एन एक्सपोर्टर हमारे को रिफंड मिलने के लिए टाइम लगता है, पैसा ब्लॉक रहता है। तो ये सब जो आपने सामान बनाया हुआ है, ये जो इन्वेंट्री है आपका, प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ रही है क्योंकि कंपनीज डिमांड नहीं कर रही है आपसे सामान। हाँ, आप देखिए, आपको काम तो करना पड़ेगा, आप इतने लोगों को एम्प्लॉय करते हो एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप सबको रातों रात निकाल दिए या कुछ करे, तो आपको कुछ ना कुछ तो बनाते रहना है। ऑटो निर्माण क्षेत्र में गिरावट पूरी अर्थव्यवस्था पर छाए मंदी के बादलों की ओर इशारा करती है। इसी हफ्ते सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हर तरह की गाड़ियों के प्रोडक्शन और बिक्री में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल के अप्रैल अगस्त के मुकाबले इस साल अप्रैल अगस्त के दौरान कारों की बिक्री 29.41% गिरी। पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में कुल गिरावट 23.54% रही। दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में गिरावट 14.85% रिकॉर्ड की गई, जबकि थ्री व्हीलर गाड़ियों की बिक्री इन 5 महीनों में 7.32% घट गई। अभी का स्लोडाउन वो चल रहा है,
और आगे चल के भी ऐसा हमें कोई ग्रीन शूट्स नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे कि मार्केट में कुछ अपटेक आएगा और कुछ रिवाइवल होगा। मार्केट को पीछे जो पिछले 9-10 महीने में हुआ है, जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ कस्टमर शायद BS4 BS6 की प्राइस की बात को सोच रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और कुछ शायद GST की अनाउंसमेंट कम होने की होगी नहीं होगी, एक कंफ्यूजन ये भी चल रहा है। तो और NBFC का लिक्विडिटी क्रंच जो गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइवल का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुआ है, उसका ग्राउंड के ऊपर क्या असर और कब रिएक्शन होगा उसको भी हमें देखना है। गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाले उद्योग में इस गिरावट का असली खतरा तब समझ में आता है जब अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा पता लगता है। 2017-2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में यह कारोबार कुल 51.2 अरब डॉलर का है। भारत की GDP का 2.3% हिस्सा इसी से आता है और करीब 15 लाख लोग इससे सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। एक तरफ जहां भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ऑटो कंपोनेंट्स के ऑर्डर्स घटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी घटते जा रहे हैं। अब इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को उम्मीद है कि सरकार उन्हें इस मंदी के दौर में संकट से उबारने के लिए जल्दी पहल करेगी। फरीदाबाद से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।